नमस्कार साथियों, आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे बहुत सारे पिछले क्लास में बहुत सारे टॉपिकों पर। उसी संदर्भ में डेली हम लोग एडिटोरियल पेज जैसे प्रमुख न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रमुख न्यूज़पेपर का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल रहता है उस पर चर्चा करते हैं। उसी स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए आज का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जो कि यूपीएससी मेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वह है, जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हैं, वह है कि भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है, जो फूड प्रोसेसिंग फील्ड है, उसके बारे में, जो कि कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस चित्र में देख रहे हैं बहुत सारे आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, कुछ और सारे सामान दिख रहे हैं। इन्हीं जो कच्चे माल हैं, यानी कच्चे वस्तु हैं, इन्हीं वस्तुओं का एक प्रोसेसिंग के माध्यम से, इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग के माध्यम से इसे टिकाऊ, मूल्यवान, आकर्षक बना दिया जाता है, जिसे हम फूड प्रोसेसिंग के तौर पे जानते हैं। और वर्तमान समय की ये प्रमुख प्रासंगिकता रहा है। यहां से एक मेंस के लिए यदि आप प्रश्न बनाना चाहें तो यह प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक और भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन कौन सा है, इस बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र क्या है, फूड प्रोसेसिंग क्या है। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण में कच्चे जो रॉ होता है, पादप एवं पशु पदार्थों, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ पशु से संबंधित पदार्थों को खाद्य उत्पादों में परिणत करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां और तकनीकें शामिल हैं, जैसा कि आपको हमने बताया। इसमें सरल परिरक्षण से लेकर जटिल औद्योगिक विधियों तक की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सरल से लेकर जटिल काम किया जाता है इसमें, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आप देखेंगे जैसे कृषि उत्पादों की बुनियादी सफाई करना, ग्रेडिंग करना और पैकेजिंग करना, ये सब है प्राथमिक। द्वितीय प्रसंस्करण में आप देखेंगे सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना, इसको जो है प्राथमिक उत्पादों को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना, जैसे गेहूं को पीसकर आटा बनाना, ये सब चीजें हैं। तृतीय प्रसंस्करण में देखेंगे खाने के लिए तैयार, रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ का निर्माण करना, जैसे आटा वगैरह, ठीक है, आटे से आप देखेंगे रोटी बन जाएगा, ऐसी तमाम सारी चीजें, ब्रेड बन जाएगा, ऐसे आप तमाम सारी चीजें जो देखते हैं उसका जो है प्रोसेसिंग के माध्यम से उसे मूल्यवान और टिकाऊ बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, परिरक्षण का खाद्य उत्पादों के उपयोग और सेल्फ लाइफ को बढ़ावा देना, ठीक है। इसका परिरक्षण, इसका क्यों प्रयोग किया जा रहा है, इसका उद्देश्य सुरक्षा, सुरक्षा के दृष्टि से हानिकारक सूक्ष्म जीवों और संदूषकों को समाप्त करना जो खाद्य पदार्थों में सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को, पदार्थों को समाप्त करना। गुणवत्ता वृद्धि, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य में सुधार करना। सुविधा, आसानी से तैयार होने वाले, इजी टू प्रिपेयर है ये खाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। उत्पाद बनाना,
मूल्य संवर्धन, कच्चे कृषि उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, यदि हम बात करें कि भारत के संदर्भ में, कि भारत में प्रमुख वह कौन कौन से कारक हैं जो प्रोसेसिंग के फील्ड में उसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं, वह कौन कौन से कारक हैं कि जो उसको बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। वह कौन कौन से कारक हैं जो बढ़ावा देने वाले कार्य करते हैं। आप देखेंगे कि भारत में जो जनसांख्यिकी लाभांश से प्रेरित मांग, जो भारत में एक पॉपुलेशन है ना बहुत ज्यादा, उसमें जो मांग है, ठीक है, यह भी एक कारक है। क्योंकि भारत की बढ़ी एवं बढ़ती आबादी, आय वृद्धि और शहरीकरण के साथ साथ संयुक्त तो होकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग को बढ़ा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है भारत में, इसलिए बदलती जीवन शैली और खाद्य प्राथमिकताएं बाजार को नया स्वरूप दिया जा रहा है। यह कुछ ऐसे कारक है जो भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सकता है। चूंकि भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य बाजार के वर्ष 2019-20 में 263 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2025 तक ये 470 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो काफी मांग है इसका, और भारत की जनसांख्यिकी लाभांश है, इसका भी काफी योगदान रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भारत में सरकारी नीतियां भी जो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने में प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार की, और आप देखेंगे प्रमुख रूप से स्वचालित मार्ग के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति ने महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। ये सब ऐसे कारक हैं कि जो भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योगदान देते हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंध प्रमुख मुद्दे कौन कौन से, प्रमुख मुद्दे जो है कौन कौन से हैं यह भी जानना है। प्रमुख मुद्दे जैसे आप देखेंगे विखंडित आपूर्ति श्रृंखला, ये थोड़ा सा समस्या में आप देख लेंगे आ जाएगा कि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ समस्याओं से संबंधित भी मुद्दे हैं कि विखंडित आपूर्ति श्रृंखला। चूंकि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र अत्यधिक विखंडित आपूर्ति श्रृंखला से ग्रस्त है, जिसके कारण
अकुशलताएं पैदा होती हैं, समस्याएं होती हैं। इसका मुख्य प्रकरण यह है कि जो आपूर्ति श्रृंखला है वह थोड़ा सा इधर उधर विखंडित है, एक सिस्टम से नहीं है, जिसकी वजह समस्याएं होती हैं। और सबसे दूसरी कारण यह है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ समस्या पे, तो ये सब जो समस्याएं हैं जिसके कारण थोड़ा चुनौती बनता है। चूंकि दूसरा रीजन 86% से अधिक किसान लघु और सीमांत किसान हैं, इसलिए उपज का एकत्रीकरण एक बड़ी चुनौती है। भारत में जो लगभग 85% से ऊपर जो है अधिक जो किसान हैं लघु और सीमांत प्रकार के हैं, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है इसका एकत्रीकरण करने में भी मुश्किल होता है, इसलिए भी ऐसी समस्याएं बनी रहती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये विखंडित आपूर्ति श्रृंखला है, इसके परिणाम स्वरूप बिचौलियां उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक आनुपातिक मूल्य संवर्धन के बिना लागत में वृद्धि होने लगता है। बिचौलियों के कारण कॉस्ट में वृद्धि होने लगता है, तो एक समस्याएं हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे भारत में अवसंरचना की कमी है, ठीक है, क्योंकि मतलब इतने अच्छे एफडीआई के बाद भी भारत की कोल्ड चेन अवसंरचना अपर्याप्त है, ठीक है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, हालांकि अपर्याप्त परिवहन और वितरण अवसंरचना के कारण हर वर्ष इनमें से लगभग 25-30% उत्पाद नष्ट या बर्बाद हो जाते हैं। बताइए, पर्याप्त साधन न होने की वजह से, और जो कोल्ड चेन व्यवस्था है न होने की वजह से यह रद्द हो जाता है लगभग 25-30%। ये बहुत बड़े पैमाने पर ये सब चुनौतियां बनता है, और इसी पे सरकार को काम करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ भारत में और भी चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं बहुत ही व्यापक हैं, कि आप देखेंगे कि लाल फीताशाही का जो जाल है, ठीक है, इसमें भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला जटिल और प्राय अतिव्यापी नियामक ढांचा गंभीर है। कानून व्यवस्था भी उस प्रकार का है भी तो बहुत ही जटिल है, जिससे चुनौतियां उत्पन्न होती ही है। तो इन सारे समस्याओं पर समाधान करने की जरूरत सरकार को है। इसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि पूंजी की कमी तो है ही, वित्त पोषण की मांग और मौसमी प्रभाव भी, चूंकि कच्चे माल के शीघ्र नष्ट होने की प्रवृत्ति तथा बाजार में अस्थिरता के कारण इस क्षेत्र से जुड़ी उच्च जोखिम धारणा जो है, हाई रिस्क जो परसेप्शन है, के कारण ऋण देने के मानदंड भी जो है गड़बड़ है। तो ये सब सारी समस्याओं की वजह से ये निरंतर समस्या बना हुआ है। और इस प्रकार जो है आप देखेंगे कि भारत में जो समस्याएं हैं, तो यदि हम बात करें सकारात्मक दिशा में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है साथियों, जय हिंद।